मैं आपको चैलेंज करता हूँ मुझे आप बता दें ये मेरा एक रुपये का फ़ायदा था ये मैंने अपना एक अखबार खोला हुआ है ये मेरा एक कारोबार है प्राइवेट बिजनेस है मेरा यासिर साहब मीडिया के अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है कोई और इसी तरह मेरे दु... मतलब सदीक जान की बात करते हैं लोग ठीक है कि सदीक जान जो है वो पिछले दिनों किसी मौलवी साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया कि सदीक जान जो है फैजा से पैसे लिया करता था अब वो मौलवी साहब अगर हैं ना इस काबिल उनकी कोई उनकी औकात है तो वो साबित करके देना फिर के पैसे लिए थे मतलब हम हलफ पे कह देंगे मैं भी ले दूंगा हलफ से जान भी ले लेगा कि एक रुपये अगर एक रुपया लिया हो हल्फ पे कह देंगे लेकिन ये भी मौलवी साहब कहें ना कि इनको हलफ पे कि इन्होंने जो है वो देखा है या इनके पास कोई सबूत मौजूद है कुछ तो सहाफी जानबदार है तो मैं आपसे कहूँगा कि मुझे आप आज के मीडिया से एक नाम बताएं जिस जो आपकी गैर जानबदारी की डेफिनेशन पर पूरा उतरता हो सोचें मैं भी सोचता हूँ दो मिनट लें आप भी लें सोचें मुझे तो नहीं आपके जेहन में कोई नाम नहीं आता नहीं मैं इस सवाल का कई दफा सामना कर चुका हूँ तो मेरे भी जहन में नहीं आता अब मैं आप मैं आपको चैलेंज देता हूँ मैं मुझ पर यह इल्जाम है ना कि मैं एन टी पी एम एल एन हूं या चलें दूसरा इल्जाम ये होगा कि मैं प्रो पी टी आई कॉन्टेंट करता हूँ मैं चलें इस इल्जाम को तस्लीम कर लेता हूँ कि मैं प्रो पी टी आई कॉन्टेंट करता हूँ अब मुझे आप ये बताएं मेरा पर्सनल गेन क्या है मैंने से आज तक क्या फायदा ऊपर ना मतलब एक नजरिए को सपोर्ट कर आप कह रहे हैं कोई ऐसा जो गैर जानबदार हो और उसको भी व्यूज लेता हो हाँ। ये सवाल है ना आपका ऐसा को एग्जिस्ट नहीं करता जो गैर जानबदार हो तो व्यूज के पैमाना तो बाद में आएगा है ही नहीं है मुझे दिखाएं इसको यहां पे ले आते हैं इस सोसाइटी में आप मुझसे कह रहे हैं कि जर्नलिज्म क्यों टॉप ऑफ द क्लास नहीं हो रही सर सोसाइटी है ये ये सोसाइटी में जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट इसी सोसाइटी का रहने वाला है उसके वही कॉन्सिक्वेंस आते हैं उसको उसी तरह की चीजें जो है वो फेस करना पड़ती हैं जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होती है आपको जब इस तरह की कॉल आए कि जनाब हेलो हां तेरे कार बम रख देता है दौड़ जा फटाफट दौड़ जा निकल जा करो निकल जा तो आप मुझे बताएं कि वो अगर फेक कॉल भी होगी तो एक मतबा आपको फ़ौरन अपने बच्चों का ख्याल आएगा कि नहीं आएगा और आप तो कर रहे हैं कि जनाब जर्नलिज्म होनी चाहिए अमरीका की तरह की अब जब मैं मानता ही नहीं हूं कि वो फजूल छोड़ी सी और फिर दो ही रास्ते हैं मेरे पास। या तो मैं इनकार कर दूं मैं, मैं तो इनको करप्ट ही मानता हूं या मेरे पास सबूत हैं कि वो करप्ट है या मैं या मैं उनकी बात मान जाऊं और मैं उसके मुताबिक हमारे नहीं मैं नाम किसी का नहीं लेता जिनका चैनल बिका नई मैनेजमेंट आई उन्होंने रातों रात अपना कॉन्टेंट चेंज कर दिया वो मोनोलॉग पढ़ते हैं शुरू में तो वो मौनोला कल कुछ और था आज कुछ और था तो ज़िंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए ज़िंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए अहद कम झर्फ़ की हर बात गवारा कर लें आज के जो हमारे मेहमान हैं असदुल्ला खान साहब और तकरीबन दो दहाइयाँ गुजर गई हैं इनको आ, सहाफत का सफ़र तय करते करते और इनके अक्सर प्रोग्राम आपने देखे होंगे मुख्तु निजी चैनल्स के ऊपर उसदुल्ला खान साहब प्रोग्राम करते रहे हैं माजी में भी अभी भी आपने एक निजी चैनल पर प्रोग्राम करते हैं और इनके व्लाग्स जो बिलखसूस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं सहाफ़ती करियर में किस तरह की मुश्किल आती हैं एक सहाफ़ी की ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा होता है हम तो क्योंकि स्क्रीन के ऊपर उसे देख रहे होते हैं और इस्क्रीन के पीछे एक सहाफ़ी क्या क्या कुछ ख़ुद देख रहा होता है इस पर आज हम असद साहब से बात करेंगे असल असद वाले असद साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और ये रस्मी शुक्रिया नहीं है आपने वक्त भी दिया और आप हमारी पॉडकास्ट में भी आए आ, मेरी आपसे क्योंकि वैसे भी मुलाकात रहती है तो मेरे जहन में एक सवाल है और हमेशा मैं आपसे पूछना चाहता था कि अगर आप 18 बीस साल पीछे चले जाएं वापस जी दोबारा सहाफत को ही चूज़ करेंगे सौ फीसद उसकी वजह यह है कि ये मैं हादसाती तौर पर भी नहीं आया ना ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने बताया कि इसका ट्रेन का टिकट हाफ़ मिलता है तो जर्नलिज्म में आ जाओ जो जर्नलिस्ट हैं उनको ट्रेन हाफ टिकट पे टिकट मिल जाता है हाफ़ प्राइस पे तो ऐसा भी मेरे साथ नहीं हुआ था मैं कंप्यूटर साइंसेस में आठ साल गुजार के एक्सपर्टीज़ ले के स्पेशलाइज़ करके और बाकायदा अपने फील्ड को ज्वाइन करने के बाद मैंने सोचा कि फ़िक्र दुनिया में सर खपाता हूँ मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ तो फिर मैंने फैसला किया कि नहीं ये मैं सारी उम्र इस उलझन का शिकार नहीं रह सकता कि काश उस वक्त मैं ये फैसला कर लेता और मैं मीडिया में चला जाता काश मैं अपने शौक़ के मुताबिक काम कर लेता तो मैं उस उलझन से मैं का हमेशा शिकार नहीं रहना चाहता था मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जो करना कुछ और चाहते थे हादसासी तौर पर कुछ और बन गए और फिर उसमें वो धंसते चले गए तो मैं एक बहुत ही अच्छे वक्त में उससे निकला मुश्किल फ़ैसला था फैमिली मुखालिफ थी लेकिन मैंने अपनी सारी जो कंप्यूटर साइंसेस की डिग्रीज थी उनको उठा के लिफाफे में बंद किया और एक जगह पर रखा और उसके बाद फिर मैं मीडिया की दुनिया के लिए निकल गया तो ये मैंने बहुत सोच समझ के किया और एक शौरी फैसला था इसलिए मैं आज भी अगर 20 साल 18 साल पीछे चला जाऊं और उसी जगह पर जाकर खड़ा हो जाऊं तो ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं जर्नलिज्म में ही आना चाहूँगा आज का सहाफ़ी बाइस्ट है बाइस की डेफिनेशन क्या है पहले तो मुझे बताएं। फिर मैं जवाब दूंगा कि हाँ है या नहीं बाइसट ये होता है कि मुझे लगता है कि सहाफ़ी ये मेरा ज़ाती नज़रिया है कि सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि वो फ़ैसला सुना दे कि मुवजना दे सकता है कि ये पोलिटिकल पार्टी या इनफरादी तौर पर ये शख्स उसकी पसंद नापसंद में नहीं आ सकता मुझे ये लगता है तो आज के सहाफ़ी में मुझे लगता है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये वाज नज़र आना शुरू हो गया है कि किसी भी चैनल पर बैठे हुए या आजकल क्योंकि यूट्यूब का दौर है डिजिटल पे लोग मौजूद हैं उनके चैनल्स पे जाके कर यूट्यूब आप देख सकते हैं कि वाज नज़र आते हैं कि ये किसी एक पोलिटिकल पार्टी या किसी एक नज़रिए को सपोर्ट करते हैं ठीक है अच्छा देखें आपकी बात गलत भी नहीं है आपकी बात ठीक भी है लेकिन सवाल ये है कि आप अपने आप तज्े में खबर ख़बर में तो चलिए होता ना कि आपने के पास दो खबरें आई हैं एक इसके खिलाफ है और एक इसके ख़िलाफ़ है आप इसके खिलाफ खबर डाल देते हैं और इसके ख़िलाफ़ छुपा जाते हैं ठीक है यही होगी ना बाचैंस ठीक है मतलब मैंने आ, मेरे अपने पसंदीदा लीडर के बारे में जो है वो ख़बर छुपा गया और उसके बारे में खबर डाल डाल दी और दूसरा ये हो सकता है कि मैं झूठी खबर दूं मतलब एक चीज़ सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती और मैं कहूँ कि जनाब ये है ये फलां साहब हैं ये फलां लीडर हैं और इन्होंने ये पच्चीस करोड़ रुपये की करप्शन की है या पाँच अरब रुपये की करप्शन की है और ये देखें ये कितने करप्ट हैं और वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती स्टोरी ठीक है तो ये एक और तरह की बद है मेरा ये ख्याल है आजकल हो ये रहा है कि लोगों ने जो ए, जो, जो एंकर्स है हैं या तज् नगार हैं उनकी एक राय जो है मतलब उन्होंने अपनी एक वाज राय बनाई है या उनकी एक वाज राय बन गई है उसके नतीजे में उनके फॉलोवर्स बन गए हैं और उनके फॉलोवर्स उनसे उसी तरह का कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं और वो अपने कंटेंट में किसी हद तक चूज ही हो गए हैं और वो समझते हैं लेकिन बाइस्ट आप फिर भी नहीं कहेंगे देखें बाइस्ट आप बाइस कह लें बायस कह लें आप लेकिन अगर अगर आप कहें एक, मैं, आप मैं दे रहा हूं जानेबदार और किसी एक नजरिए को सपोर्ट करा हाँ। मुसलसल। देखें अगर आप कहते हैं ना कि सहाफी है, तो मैं आपसे कहूंगा कि मुझे आप आज के मीडिया से एक नाम बताएं जिस जो आपकी गैर जानेबदारी की डेफिनेशन पर पूरा उतरता हो सोचें मैं भी सोचता हूं दो मिनट लें आप भी लें सोचे मुझे तो नहीं आपके जेहन में कोई नाम नहीं आता मैं इस सवाल का कई दफा सामना कर चुका हूँ तो मेरे भी जेहन में नहीं आता कोई ऐसा जिसके बारे में ये कहूँ हाँ यार ये बिल्कुल न्यूट्रल है इसकी कोई जानबदारी नहीं है या ये उधर नहीं है या उधर नहीं है लेकिन देखें मैं आपको कहूँ कि अगर इसके नतीजे में ये ये यहां तक चले हमारी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ राइज हो गई है लेकिन करप्शन कहाँ शुरू होती है या गलत चीज़ कहाँ शुरू होती है वो वहां शुरू होती है कि जब मैं जानबदारी किसी फायदे के लिए कर रहा हूँ हाँ अगर मेरा मैं जानबदार तो हूँ एक तो यह है कि मेरा नजरिया मैच कर गया है किसी एक जमात के नज़रिए के साथ और मैं भी एक इंसान हूँ मेरा भी एक नज़रिया हो सकता है मैं भी वोटर हूँ मैंने भी वोट डालना है मेरी भी अपनी जो है वो सही गलत की एक राय हो सकती है तो ये तो जानबदारी मैं समझता हूँ कि इस हद तक को तो इजाज़त होनी चाहिए लेकिन अगर कोई शख्स जानबदारी कर रहा है किसी ख़ास फ़ायदे के लिए मसा वो समझता है कि यार मैं इस जमात को सपोर्ट करूँगा ये हुकूमत में आएगी तो इससे मुझे फ़ायदे होंगे क्या फ़ायदे होंगे कि मैं अपना पेट्रोल पंप बना सकता हूँ मुझे लाइसेंस मिल जाएगा मेरी एक मेडिसिन की कंपनी है मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मेरे वो प्रॉब्लम्स रिमूव हो जा करेंगे मेरी एक पीआर कंपनी है मेरी पी आर कंपनी है मुझे इश्हारा उसकी उससे मिल जाया करेंगे मेरी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है मेरी हुकूमत आ जाएगी तो मुझे इश्हारा मिल जाया करेंगे या मैं एक डमी अखबार जा कर निकालता हूँ कोई ए बी सी नाम जो है वो किसी अखबार का डमी अखबार का और वो अखबार निकलता भी नहीं है लेकिन उस तो अखबार जब अपनी हुकूमत आती है तो अखबार को इश्तहार मिल जाते हैं ये सारे काम सहावी कर रहे हैं ये है वो जानबदारी जिसकी ममानियत होनी चाहिए यानी जिस में आप अपने ती फ़ायदे के लिए जानबदारी कर रहे हैं

आ, अगर ऐसा सहाफी कोई है जो एक रुपए का भी फायदा नहीं उठा रहा तो अगर उसकी ओपिनियन में एक थोड़ा सा टिल्ड मौजूद भी है तो मैं उसको गलत नहीं समझता आ, आप मैं आपको चैलेंज देता हूं मसान मुझ पर यह इल्जाम है ना कि मैं एन टी पी एम एल एन हूं या चलें दूसरा इल्जाम ये होगा कि मैं प्रो पी टी आई कॉन्टेंट करता हूं आ, मैं चले इस इल्जाम को तस्लीम कर लेता हूं कि मैं प्रो पी टी आई कॉन्टेंट करता हूं अब मुझे आप यह बताएं मेरा पर्सनल गेन क्या है मैंने पीटीआई से आज तक क्या फायदा उठाया मैं आपको चैलेंज करता हूँ मुझे आप बता दें ये मेरा एक रुपये का फ़ायदा था ये मैंने अपना एक अखबार खोला हुआ है ये मेरा एक कारोबार है प्राइवेट बिजनेस है मेरा यासिर साहब मीडिया के अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है कोई और इसी तरह मेरे दु... मतलब सदीक जान की बात करते हैं लोग ठीक है कि सदीक जान जो है वो पिछले दिनों किसी मौलवी साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया कि सदीक जान जो है फैज़म से पैसे लिया करता था अब वो मौलवी साहब अगर हैं ना इस काबिल उनकी कोई उनकी औकात है तो वो साबित करके देना फिर के पैसे लिए थे मतलब हम हलफ पे कह देंगे मैं भी ले दूंगा हलफ से जान भी ले लेगा कि एक रुपये अगर एक रुपया लिया हो हलफ पे कह देंगे लेकिन ये भी मौलवी साहब कहें ना कि इनको हल्फ पे कि इन्होंने जो है वो देखा है या इनके पास कोई सबूत मौजूद है तो मैं ये समझता हूँ कि ये जानबदारी का आपने सवाल किया ना या साहब कंक्लूड करता हूँ मैं इस बात को अगर तो आपकी एक सिर्फ राय है और आप सही समझते हैं कि यार चालीस साल से यहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म है

सोसाइटी में एक आम तासर ये भी है कि अगर इमरान खान या चेयरमैन पी टी आई का आप एजेंडा प्रमोट करेंगे या उनकी बात करेंगे तो आपका जो डिजिटल मीडियम है वो परवान चढ़ेगा और वो ऑबियसली मॉनिटरी बेनिफिट में आता है अच्छा आपके ख्याल में मंसूर अली ख़ान जो है वो प्रो पी टी आई साफ़ी है नहीं तो उसके व्यूज़ तो मुझसे बहुत ज़्यादा है वो भी वही जेनेरिक बात नहीं नहीं देखें मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना कि जी प्रो पीटीआई कंटेंट करेंगे तो आपको व्यूज मिलेंगे ऐसा नहीं है एंटी पी करने वालों के भी बहुत व्यूज हैं मैंने आपको नाम ले दिया मंसूर अली खान का दोस्त है हमारे वो एंटी एंटी पीटीआई कंटेंट करते हैं ठीक है और उनके और सलीम साफी साहब एंटी पीटीआई टी कॉन्टेंट करते हैं तलत हुसैन साहब एंटी पीटीआई कॉन्टेंट करते हैं तो इत, बहुत सारे लोग जो हैं जो एंटी टी पी कॉन्टेंट करते हैं उनके क्या व्यूज नहीं हैं उनको भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनके पास तो सोसाइटी के अंदर तो दोनों तरह के लोग हैं तो फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी एक साइड पे आपको रहना पड़ेगा व्यूज के लिए कोई ऐसा सहाफी आपकी नजर में क्योंकि अभी हम ये पहले भी रिपीट कर चुके हैं क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो बैसनेस के ऊपर मतलब एक नजरिए को सपोर्ट कर आप कह रहे हैं कोई ऐसा जो गैर जानबदार हो और उसको वो भी व्यूज लेता हो हाँ। ये सवाल है ना आपका हाँ जी ऐसा को एग्जिस्ट नहीं करता जो गैर जानबदार हो तो व्यूज को क्या पैमाना तो बाद में आएगा है ही नहीं है मुझे दिखाएं अब इसको यहां पे ले आते हैं कि क्या सहाफीती जो पैमाना है वो इस चीज़ की इजाजत देता है कि आप जानबदार हों हाँ देखें ये बिल्कुल ठीक है अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जानबदारी के पैमाने को आप दुनिया के किस आ, मुल्क के साथ कंपेरिजन करके देखेंगे आपको किसी हमेशा किसी भी चीज़ को में, क्या है कंपेरिजन में तोलना पड़ेगा ना स्टैंडर्ड के साथ तोलना पड़ेगा आप पाकिस्तान की सहावत को अमेरिका की सहावत के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते मुमकिन ही नहीं है वहाँ के जो है वो सकम डिफरेंट हैं हालात मुख्तलिफ हैं कल्चर और है यहाँ का बिल्कुल मामला मुख्तलिफ है आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री का थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ ही मुवजना करके देख सकते हैं अच्छा फिर हर दु... हर, दु... हर दुनिया के हर मुल्क में जर्नलिज़म के अपने नॉर्म्स हैं मसा चाइना की जर्नलिज्म बिल्कुल ही डिफरेंट है वहाँ पर तो इस तरह के आज़ाद मीडिया का तस्वूर ही नहीं है और अमेरिका की या कैनेडा की और यूके की जर्नलिज्म बिल्कुल मुख्तलि है आपको पता पिछले दिनों जो एक स्टोरी छपी आ, यहां पर के जी बुश, बुश, ये जो फरा गोगी है उसने एक किसी ए बी सी फस, कट, छोटे से जजीरा को मुल्क है उसका एक जाली पासपोर्ट बना रखा था यह स्टोरी छपी जी बिल्कुल पाकिस्तान के अखबार में छपी जंग अखबार ने चार कॉलम की या तीन कॉलम की खबर लगाई लेकिन जंग ने अपने लंडन एडिशन में यह खबर नहीं लगाई क्यों क्योंकि वहां पर चैलेंज होगी जुर्माना होगा क्यों क्योंकि वो फेक स्टोरी थी क्यों क्योंकि वो पासपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता वो फोटोशॉप पासपोर्ट है तो इसलिए आप पहले तो ये देखें कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जर्नलिज्म को को जानबदार होना, होना चाहिए या गैर नहीं होना चाहिए तो पाकिस्तान में जर्नलिज्म भी एक ऐसा ही इदारा है जैसे कि पाकिस्तान में दूसरे इदारे हैं जैसे पाकिस्तान की इसकी वजात करें मैं बताता हूं जैसे पाकिस्तान में जो अदलिया है वो एक नंबर पर एक सौ नंबर पर है ठीक है पाकिस्तान में का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में पता नहीं कितने नंबर पर है करेंसी मेरा ख़्याल है कोई जो पाकिस्तान की वो डेढ़ में नंबर पर है पाकिस्तान में अदल का का निज़ाम या इंसाफ का जो मैार है वो भी दो में नंबर पर होगा तो आप ये तो करते हैं कि जी पाकिस्तान की जर्नलिज्म का जो स्टैंडर्ड है वो दुनिया के टॉप थ्री में आ रहा हो ये कैसे मुमकिन है भाई इसी सोसाइटी में जर्नलिज्म हो रही है ना इसी सोसाइटी में जहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो अपने एक एक बाहर के गैर मुल्की दौरे और एक अपनी प्राडो गाड़ी के लिए जल्द जो गैर मैारी अदियात भेज देता है या गैर ज़रूरी अद्वियात मरीजों को भेज देता है या गलत ऑपरेशन करता है कि उसको जो है वो ये या गलत मेडिसन्स रिकमेंड करता है इसी सोसाइटी में डॉक्टर है ना इसी सोसाइटी में उस्ताद है जो अपने स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाता कहता शाम को आना मेरे पास ट्यूशन पढ़ने फिर वहां सिखाऊंगा तुम्हें इस सोसाइटी में आप मुझसे कह रहे हैं कि जर्नलिज्म क्यों टॉप ऑफ द क्लास नहीं हो रही सर सोसाइटी है ये ये सोसाइटी में जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट इसी सोसाइटी का रहने वाला है उसके वही कौन हैं उसको थ्रेट्स आते हैं उसको उसी तरह की चीज़ें जो है वो फेस करना पड़ती हैं जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होती है आपको जब इस तरह की कॉल आए कि जनाब हेलो हाँ तेरे कार बम रख देता है दौड़ जा फटाफट दौड़ जा निकल जा करो निकल जा तो आप मुझे बताएं कि वो अगर फेक कॉल भी होगी तो एक मतबा आपको फौरन अपने बच्चों का उनका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा और आप तो कर रहे हैं कि जनाब जर्नलिज्म होनी चाहिए अमरीका की तरह की ऐसा नहीं होता अच्छा चले यहाँ तक तो मान लिया कि ये मुझे लगता है कि अभी तक तो हम यहाँ पहुँचे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है इस वजह पर पहुँच गए अगर आपके इख्तियार में आ जाए असदुल्ला खान के अख्तियार में कि सहाफत में अब हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं और प्रिंट मीडिया की भी, भी बात करें और कहीं आप उसको डिजिटल मीडिया को भी इन्वॉल्व कर लें तीन चीज़ें आप बदल सकते हो आपको लगता हो कि ये नहीं होने चाहिए या इनके ना होने से बेहतर हो जाएगी मतलब हम अगर रैंक कर रहे हैं रैंक की बात की ना तो रैंक हमारा ऊपर चला जाएगा तो आप वो क्या तीन चीज़ें बदल देंगे देखिए सर पहली बात तो यह है कि पूरी की पूरी ना फिलोसफी तब्दील होने की ज़रूरत है मसला हमारे यहाँ जो मीडिया काम कर रहा है ना वो उसमें काम करने वाले जर्नलिस्ट तो बाज अक्सर लोग जर्नलिज़्म करने के लिए आए हुए हैं लेकिन अक्सर टी वी चैनल्स के मालिकान जो हैं वो जर्नलिज़्म करने के लिए नहीं आए ज़्यादातर जो, जो, जो मालिकान हैं उनके बहुत सारे कारोबार हैं वो अपने कारोबार को तहफ़ देने के लिए अपनी टैक्स अवियन को सपोर्ट करने के लिए अपनी फाइलों को पहिए लगाने के लिए अपनी जो है वो चीज़ों को ठीक करने के लिए जर्नलिज़्म में आए हैं और इसलिए उन्होंने चैनल्स बनाए हैं और जब वो इस मकसद के लिए आते हैं कि यार मेरी चलो एक सोसाइटी है और सोसाइटी में मैंने ओवर सेलिंग कर रखी है या मेरे सोसाइटी के जो प्लॉट हैं वो सारा दो नंबर धंधा मैं कर रहा हूँ तो चलो मेरा जब चैनल होगा तो मुझे कोई पकड़ेगा नहीं चलो मैं को... तो फिर ऐसा बंदा कॉम्प्रोमाइजड ही होगा ना उसके ऊपर नाराज हो जाएंगे आप उसके ऊपर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा मैं दायरा मजमूरी तौर तो पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो अब आप मुझे ये बताएं कि जब इस मकसद के तहत कोई चैनल बनाएगा तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा क्या वो दबाव को कबूल नहीं करेगा जब उसके ऊपर आएगा कि यार चैनल जो है ना या तो चैनल बंद कर दो या फलां बंदे को चैनल से निकाल दो क्या वो नहीं निकालेगा वो चैनल बचाएगा वो कहेगा यार ठीक है मैं तो जिस मकसद के लिए आया था जर्नलिज्म करने तो मैं तो मैं जर्नलिज्म करने नहीं आया था तो मैं जिस मकसद के लिए आया था मैं उसको तो बचाऊ ना तो पूरे का पूरा मेरा ख्याल है स्ट्रक्चर जर्नलिज्म जर्नलिस्ट को आ, करनी चाहिए हमारे यहां इक्का दुक्का इधारे मतलब मजिद निजामी साहब जर्नलिस्ट थे या उनका इदारे जर्नलिज्म के थे और उनका वो नहीं था लेकिन वो खैर इदारा तबाह हो गया या आप कह सकते हैं कि मीर रहमान साहब जो हैं उनका इदारा जो है वो एक बहुत बहुत पुराना एक है या डॉन की तक आप कह सकते हैं बाहर के जितने इदारे हैं वो तो सारे आप जानते हैं कि मुख्तफ मकासद की वजह से आए हैं अब कैसे मुमकिन है कि वो आ, उस पैमाने पर चीज़ों को देख रहे हों या जर्नलिज़म की उन नॉर्म्स को फॉलो उनका उनका मकसद ही वो नहीं है तो मैं मेरा ख़्या है ओवरऑल स्ट्रक्चर तब्दील होने की ज़रूरत है फिर इसका रेटिंग सिस्टम है रेटिंग सिस्टम से बिज़नेस जुड़ा हुआ है रेटिंग सिस्टम को तब्दील होने की ज़रूरत है तो, तो अगर आपको लगता है कि बहुत सारे इदारे चले दो चार तो आपने नाम ले दिए कि आप उनको स्टैंडर्ड पे लेके आते हैं सहाफ़ती तकाज़ों को पूरा ही नहीं कर रहे तो ऐसी सहाफ़त के ऊपर जब उंगली उठाई जाती है या उनको रोका जाता है तो फिर सहाफ़ी को क्यों इतराज़ होता है कि यार मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा सर देखिए ना जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट तो बहरहाल अपने जर्नलिज्म के नॉर्म्स को फॉलो करने की कोशिश करता है और आपने देखा अभी कोई पंद्रह के करीब एनालिस्ट या एंकर ऑफ एयर हैं अभी है ना पंद्रह बीस पंद्रह के करीब एंकर ऑफेयर हैं okay. वो क्यों हैं आपने कभी सोचा है ये भी तो मुमकिन है कि आप उनसे कहें कि ये नहीं करना और वो कहें ठीक है जनाब नहीं करते जनाब माए बाप नहीं करते और बताएं नौकरी बचा लें ऑप्शन है ना उनके पास नौकरी बचा लें और लाइन चेंज कर लें लेकिन वो क्यों नहीं करते क्या मसला है उनके साथ क्यों वो अपने उस नुकता नजर पर अड़ जाते हैं अब वो कहते हैं यार मैं जहरे है को कंद नहीं कह सकता एक चीज़ है ही कड़वी में उसको मीठा कैसे कहूँ मतलब मैं झाती तौर पर अगर मुझे कहा जाए कि जी आप आ, कहें बैठ करके ये जो फलां सियासतदान है इसने ये इसकी पॉलिसीज बिल्कुल ठीक रही हैं और ये ज़बरदस्त रहा है और उसने पाकिस्तान को बड़ी तरक्की दी है और उसने करप्शन वगैरह की तो सारी फजूल स्टोरीज थी अब जब मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो फजूल सोरीज थी और मैं जब अगर ये मानता हूँ कि मैंने जो फाइलें पढ़ी हैं वो बिल्कुल मेरी दाने मेरी तहकीक के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक फाइलें हैं तो फिर दो ही रास्ते हैं मेरे पास या तो मैं इनकार कर दूं मैं कहूंगा नहीं जनाब मैं तो इनको करप्ट ही मानता हूं या मेरे पास सबूत हैं कि वो करप्ट है या मैं या मैं उनकी बात मान जाऊं और मैं उसके मुताबिक हमारे यहाँ एंकर्स नहीं मैं नाम किसी का नहीं लेता जिनका चैनल बिका नई मैनेजमेंट आई उन्होंने रातों तो, रात अपना कॉन्टेंट चेंज कर दिया वो मोनोलॉग पढ़ते हैं शुरू में तो वो मोनोलॉग कल कुछ और था आज कुछ और था तो हमारे मुझे याद आ गया कि पी के ज़माने में यानी जब सिर्फ पी हुआ करता था तो एक वज़ी अजम आए नए तो उन्होंने एक न्यूज़ कास्टर को बुला लिया उन्होंने कहा कि हाँ भाई बड़ा तुम मेरे ख़िलाफ़ ख़बरें पढ़ते थे कल भी तुमने मेरे खिलाफ़ ख़बरें पढ़ी हैं तो उन्होंने कहा जनाब आप आज का ख़बरनामा देखिएगा आज का खबरनामा तो आज का देखिएगा क्योंकि नया वज़ी अजम आ गया ख़बरनामा तब्दील हो गया वही न्यूज़ कास्टर पी के जो कल को बैठ के इसकी बात कर रहे थे आज वो बैठ के इसकी बात कर रहे हैं तो ये वो वाला जो है ना आ, मामला हमारे यहाँ होता है ये भी होता है ये चॉइस तो आपके पास रहती है ना फिर आजकल क्योंकि आपने देखा है कि बड़ा आम हो गया है और आसान हो गया है किसी भी शख्स के हाथ में अगर एंड्रॉयड फ़ोन है और बड़ी कम कीमत में एक माइक खरीद सकता है इंसान तो वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहना शुरू हो गए बच्चे हैं यंगस्टर हैं तो जो लोग इस डोमेन में आना चाह रहे हैं ये अभी बड़ी कुछ अपने तल्ख बातें भी कं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो किन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें इस इंडस्ट्री में जैसे साहब देखें सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि वो इस फील्ड में क्यों आना चाहता है बुनियादी मकसद क्या है उसका एक तो ये हो सकता है कि जी मैं बहुत अच्छे पैसे कमाऊँगा मीडिया में आके एक किसी का ये नुकता नज़र हो सकता है किसी का हो सकता है कि मैं आऊँगा टी पर नजर आऊँगा मेरे जो है वो लोग मेरे फैमिली वो खुश होगी और मेरे बल्ले बल्ले हो जाएगी पेंड में और कहेंगे जनाब वो साढ़ा मुंडा भी टी वी आ गया आ, ये भी हो सकता है कि कोई बंदा अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शारोबार करता है वो सोचता है कि यार अगर मैं टीवी पे आ जाऊँगा मीडिया में आ जाऊँगा तो फिर ये इलाके का जो पुलिस चुलिस है ये वो तो ये तो मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे ये मुझे नहीं कुछ कह सकते फिर ये आएँगे तो मैं इनको कार्ड दिखाऊँगा और मैं कहूँगा जनाब फिर देखो मैं तेरी खबर लान लग है ठीक है ये शहरों में तो इतना ट्रेंड नहीं है ये छोटे नुमाइंदान जो है ना ये छोटे इलाकों में तो ये बहुत ट्रेंड है छोटे इलाकों में नुमाइंदान को चूंकि तनख्वाही नहीं मिलती वो अपना कारोबार करते हैं और उन कारोबार को फिर उसी कार्ड से तहफूज देते हैं लोगों और कार्ड वो लोगों आदमी पकड़ते हैं और जाते हैं और फिर खाना भी खाते हैं और पैसे भी नहीं देते होटल में तो खाना खाने के क्योंकि उनको पता है फिर खबर लाएगा कि जी और कल को ये छापा मारेगा उसके साथ आके फूड इंस्पेक्टर के साथ आ जाएगा और किचन में घुस जाएगा तो ये अनफॉर्चुनेट तो डिपेंड करता है कि आप क्या एम लेकर मीडिया में आना चाहते हैं तो अगर तो आप पैशन के तहत आना चाहते हैं और किसी तो फिर मुश्किल तो फिर कुछ भी नहीं होती मतलब तो फिर तो फिर तो सही है देखें अगर आपकी ज़िंदगी और आपके बच्चों की ज़िंदगी को कुछ नहीं हुआ ना फिर फिर कोई मुश्किल नहीं है मुश्किल आती है जब आपकी कोई लाइफ थ्रेट आता है और आपके बच्चों के लिए लाइफ थ्रेट आता है ये मुश्किल होता है और इस ये वो मर रहा होता है कि जब बंदा सोचना शुरू करता है कि ये मुझे काम छोड़ देना चाहिए उससे पहले तक की मुश्किल कोई नहीं होती वो जेलें भी काट लेता है वो कोड़े भी खाता है खाई हैं पाकिस्तान में लोगों ने जेलें भी काटी हैं कोड़े भी खाए हैं गुमशुदगियाँ भी सही हैं और जबर भी सहे हैं तशद्द भी सहा है ये सारा कुछ होता है तो अनटे अनलेस के इस हद तक नौबत ना आए तो फिर कोई कोई मसला नहीं है आपको इन, इन मतलब अगर आपका एम हाई है और आप एक ख़ास मकसद के तहत पैशन के तहत आना चाहते हैं मीडिया में तो मैं कहूँगा आप ज़रूर आएँ लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यार चलो ये भी एक ऑप्शन है ये भी एक ऑप्शन है, है ये भी काम है फिर ना आए फिर कारोबार कर लें फिर बिजनेस कर लें कोई और वो बेहतर है अच्छा यानी मुझे ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो कहते हैं जी मेरे वाले साहब का बिजनेस है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उसको संभाल लूँ दो सौ ऑप्शन है मीडिया में आ जाऊँ तो मैं कहता हूँ तुम्हारा क्या ख्याल है वो कहता नहीं मैंने भी सोचा नहीं है मैं कहता हूँ फिर बिजनेस करो वो बेहतर है अच्छा सर साहब हम आप इसको कंक्लूड करें तो आज के ये अब आपने सम कर रहे हैं कि आज के सहाफी की जिंदगी मुश्किल है मुझे आपकी बातों से यह अंदाजा सर मेरा ख्याल है कि जब के जमाने भी, भी मुश्किल थी उस वक्त ज़्यादा देखें या हाँ उस... तादाद ज्यादा हो गई है, हाँ, तादाद हो गई है। आ, आ, या, या मंजरे आम पे आना शुरू डिजिटल मीडिया की वजह से चेंज हुआ है मामला अब आप देखें आप अभी आप बात कर रहे थे कि जिसके हाथ में फोन है वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहने लगता है देखें मैं हमेशा कहता हूं कि जो जर्नलिज्म के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है उसको सुने जो रिपोर्टर्स हैं जिनकी जिनको मतलब मैं स्टोरी जब देता हूँ अपने यूट्यूब पर भी तो मैं उसको काउंटर चेक करता हूँ और मैं देखता हूँ ये स्टोरी बाउंस ना हो जाए और मैं इस बात के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ कि मुझे अगर कोई मैं किसी की करप्शन की स्टोरी कर रहा हूँ तो मेरे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और मैं ऐसे ही ना कह दूँ उठ के जी फलां तो इतना करप्ट है कि उसने अभी चार अरब रुपए की करप्शन की है तो मैं कह सकता हूँ ना सोशल मीडिया पर कि फ्लॉग ने तो चार अरब रुपये की करप्शन की हुई है लेकिन जब वो मुझे अदालत में लेकर जाएगा तो मेरे पास उसके सबूत होने चाहिए डॉक्यूमेंट होने चाहिए तो हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं साल साल से वो इन नॉर्म्स को अभी भी फॉलो कर रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि स्टोरी को डबल चेक करके क्रॉस चेक करके उसी ज़िम्मेदारी के साथ जिस जिम्मेदारी के साथ आप टीवी पे बैठ के खबर करते हैं उसी जिम्मेदारी के साथ आप इस पे वीलॉग पे भी करें और मैं हमेशा व्यूर्स को कहता हूं कि जो लोग इन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को सुने जो छक्के मार रहे हैं ना मतलब लगे हुए हैं कि जी ओहो हो ये हो गया त्यारा हवा में अगवा हो गया और जेल पे हमला हो गया और ये हो गया और फलाने फलांकों को थप्पड़ मार दिया और फलाने फलाने की बेजती कर दी तो ऐसे लोगों को मत सुना करें जर्नलिस्ट को सुना करें जब आपके पास वक्त होता है तो आप किसाफी को सुनते हैं मैं टॉपिक्स सुनता हूँ टॉपिक्स को हाँ। अगर आपके पास ऑप्शन आया है तो सर्च करके अब... मसा देखें ना मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में मैं आज नहीं जा सका और सुप्रीम कोर्ट में आज कोई केस हुआ है तो मैं तीन चार रिपोर्टर्स को खोल के सुनता हूँ और मैं देखता हूँ आज क्या हुआ है और कतः नज़र इस बात से कि वो उसकी जो है वो नज़रियाती तौर पर उसको किस तरफ इंक्लाइंड है लेकिन अगर वो अच्छा रिपोर्टर है और वो ठीक बात कर रहा है और ज़िम्मेदारी से करता है तो मैं उसको आ, उन रिपोर्टर्स को सुनता हूँ मैं जर्नलिस्ट को सुनता हूँ रिपोर्टर्स को सुनता हूँ टॉपिक्स को सुनता हूँ मैं मुझे लगता है कि हाँ यार इस टॉपिक पे ज़रा फ़लस्तन पे वॉर हो रही है तो मैं खोलूँगा कि हाँ यार कौन अच्छा बात अच्छी बात कर रहा होगा तो मुझे ज़्यादा को मैं सुन लूँगा खोल के तो इसी तरह से मैं देखूँगा कि अच्छा यार ये फ़लाँ मामले पर जो है वो ये फ़लाँ के पास ऑथेंटिक खबर हो सकती है मसदारी साहब के हवाले से कोई खबर है तो मुझे पता है कि वो हामिद मीर के पास होगी तो और हामिद मीर ने कहीं पर कोई बात की है तो वो ऑथेंटिक होंगे तो मैं हामिद मीर को सुनता हूँ तो इस तरह से मैं मुझे मैं टॉपिक्स को ज़्यादा सुनता हूँ मैंने ये नहीं है कि मैं किसी कोई ऐसा एंड जर्नलिस्ट या एनलिस्ट या यूट्यूबर जिसको मैंने लाजमी सुन के सोना है हमारे वैसे फॉलोअर्स हैं इस तरह जो करते हैं उनकी मोहब्बत है लेकिन मैं इस तरह नहीं करता अच्छा। अगर आप अब क्योंकि हमने जर्नलिज़म को तो डिस्कस कर लिया अगर आप सहाफ़ी ना होते तो फिर क्या होता है मैं शायद उस्ताद होता क्योंकि सहाफत में आने से पहले मैं लेक्चरशिप ही कर रहा था आ, पढ़ाता था कंप्यूटर साइंसिस भी पढ़ाई है मैंने बाद में भी आकर मुझे मैंने जब एम किया तो फिर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में मैंने कॉलम निगारी पढ़ाई है यहाँ पर यू लाहौर में मैंने एंकरिंग पढ़ाई है तो पढ़ाने का मुझे शौक़ है बहुत मज़ा आता है मुझे लगा तो, आप कहते हैं मैं शायर होता मुमकिन है एन मुमकिन है क्योंकि इब्तदाई तौर तो पर शायरों के साथ बहुत उठना बैठना था तो कुछ तुकबंदी की भी शुरू में कुछ गज़लें जो हैं वो गैर मतबूा पड़ी भी हुई हैं जिसको कभी नहीं सोचा कि अब इसको किताब की शक्ल देनी चाहिए तो इस तरह मतलब हाँ मुमकिन है ये रुझानात में से एक तो था शायरी भी एक रुझानात में से एक तो चीज़ थी शायरी भी थी और पढ़ाना तो खैर मैं बहुत ही छोटी उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया था उसका तो मुझे अभी भी शौक है वक्त नहीं होता आ, लेकिन अभी भी मैं दिल करता है। जब लाहौर से मैं शिफ्ट हूँ इस्लामाबाद तो लाहौर में मैं दो यूनिवर्सिटीज़ दो में पढ़ा रहा था यहाँ आके फिर नहीं शुरू हो सका दोबारा क्योंकि तो आपका पोइट्री से बड़ा शगफ है हाँ। तो मैं चाहूँगा कि एक आध शेर तो ज़रूर सुनाएं हमारी पॉडकास्ट में आप आपका पसंदीदा जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए अहद कमजरफ़ की हर बात गवारा कर लें असद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ख़्याल से ये बड़ा वसी मौजू है जर्नलिज़म इसको हम एक इतने कम वक्त में तो कंक्लूड नहीं कर सकते आपकी किताब एक नहीं आ रही है उसके बारे में हमें बताएं तो फिर हम क्लोजिंग करेंगे देखिए एक तो मैं असल में बाज़ बाज़ात सुस्ती करता हूँ कई मामला में मैंने जब अफगानिस्तान दो साल पहले गया था जब अमेरिका गया और तालिबान आए तो वो मैंने सारा उसका चश्मदीद गंवाऊँ तो मैं वहाँ कुछ अर्सा रहा तो मैंने वाक़त जो चीज़ें देखी कैसे ट्रांजेशन हो रही है तो मैंने उसको फ़ौर वापस आते ही बंद कर लिया था और मैंने आकर एक पब्लिशर को छापने के लिए दे दी अब मैंने सोचा कि मैंने इनको दे दिया तो ये छाप देंगे और उन्होंने हामी भी भर ली किताब का मुसवदा पढ़ने के बाद लेकिन कुछ उनकी मसरूफियात रहीं कुछ मैंने परसू नहीं किया अच्छा मुझसे ना किसी काम को परसू नहीं होता यानी अगर मैंने किसी से पैसे भी लेने हैं ना तो मैं उसे एक दफ़ा कहूँगा दो दफ़ा कहूँगा दो चार दफ़ा कहने के बाद ना वो पैसे फिर मैं मैं उसके जो छोड़ मैसा मेरे पहले पब्लिशर जो थे ना जिन्होंने मेरी पहली किताब छापी थी उनसे मैंने अभी भी एक लाख रुपये लेना है वो नाम मैं उनका नहीं लेता लेकिन तो, तो तो वो मैं कुछ अर्सा उनके पीछे पड़ा रहा कि दे दें दे दें दे दे तो लेकिन खैर उन ये बहुत ही वैसे बुरी बात है जब आप आपको तो किसी से कमिटमेंट करते हैं ना एक लाख रुपए लेकर उन्होंने क्या कर लिया होगा मेरा हाँ वो किताब तो काफ़ी मैं उनको जो है वो कहता रहा काफ़ी अर्सा उनके स्टाफ को उन्हें भी एक आध में काम भेजा मैंने मुझे ये था कि यार ये मेरा हक बनता है पैसे तो चले एक लाख रुपये ही थे Uh, कुछ पैसे उन्होंने मुझे दे दिए थे बाकी जो रह गए थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो ये मेरे मेरा हक़ हाँ बनता है उनको मुझे देना चाहिए तो मैंने कुछ ऐसा उसको परसू किया फिर मैंने उनको कभी पूछा ही नहीं तो कुछ मेरे उसमें है अच्छा तो मैं आपको बता रहा था कि वो मैंने किताब भेजी छपने के लिए तो मैंने उसको परसू ही नहीं किया तो वो ना छप सकी तो अभी उसको जो है ना उसकी वो वो हुई है आ, उसका लेआउट बनाया गया है और अभी शायद वो एक आध महीने में वो छप जाए दूसरा वो जो पहली किताब थी नवाज शरीफ के फौज से अख्तिलाफ़ आ, तो उसका भी पहला एडिशन तो आता ही ख़त्म हो गया था तो वो भी दो तीन साल से अक्सर लोग पूछते हैं कि वो किताब कहाँ से मिलेगी तो वो है ही नहीं मार्केट में वो ख़त्म हो गई थी तो उसका सेकंड एडिशन भी जो है वो दोबारा छपवा रहा हूँ अच्छा तो अब आप ये बताएंगे कि आप कहाँ से छपवा रहे हैं क्योंकि बाद में आपके लिए नाम लेना मुश्किल हो जाता है <laughs> 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 वो सलमान आबिद साहब हमारे दोस्त हैं उन्होंने शफकत की है तो वो उन्होंने ही उस पर काम उसकी तबाद की जिम्मेदारी उठाई है मेरा ख्याल आइडियाज़ पब्लिकेशन के नाम से वो जो है ना उनका कोई है पब्लिशिंग हाउस तो उस पर अगर सलमान आबिद साहब भी दो चार दफ़ा मेरे फोन करने गया अच्छा हुआ भी है मैंने उनको मुसविदा भेजा एक एका दफ़ा मैंने उनसे पूछा तो फिर जो है ना वो महीना गुजर गया तो मैंने फिर उनको भी मैंने नहीं टच किया दोबारा तो सलमान आबिद साहब ने फिर खुद रबता किया और कहा सॉरी वो मैं कहीं मसरूफ़ था और कहीं फंसा रहा हूँ तो अब खैर उस पर उन्होंने उस पर वर्किंग की है बहुत शुक्रिया आसा साहब आपका और आज की जो हमारी डिस्कशन थी बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि मैं ये जानना चाहता था कि एक आज से पहले शायद सहाफ़त में यूथ इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेती थी शायद चैनल्स कम थे टीवी था लेकिन जब से यूट्यूब आया और डिजिटल मीडिया आया तो लोगों ने सुनना शुरू कर दिया तो बहुत सारे लोगों में के जहनों में ये ख्याल थे कि ऐसे ख्याल आते हैं कि जी ये फ़लाँ सहाफ़ी जो है ये किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता है और अमूमन हमारी सोसाइटी में अब ये हो रहा है कि उसी को सुना जाता है इंटरेस्ट बेस्ड लिस्निंग है ये और ऐसा क्यों होता है उसकी तो आपने बड़ी अच्छे तरीके से वजाहत कर दी और इसके साथ साथ जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए असदुल्ला साहब ने बड़ा ख़ास पैगाम दिया है कि इन पैरामीटर्स को जहन में रखते हुए अगर आप सहाफत को ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है लेकिन ये सख्त पैरामीटर्स हैं सहाफती पैमाने पाकिस्तान में फॉलो क्यों नहीं हो रहे और अगर हो रहे हैं तो किस हद तक ये भी हमने डिस्कस कर लिया सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जी Thank बहुत शुक्रिया